क्योंकि बस्त पर है कब्जा मेरे नबी का। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुन लो सुनाए पहले दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें पड़े बाबा बुलंद दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अलिहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम। मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने आए हैं। सबसे पहले मुस्तफा का जिक्र किब्रिया ने किया और साला आलम किताब इलाही का मुखातब था। खुदा मिलाद शरीफ में मुस्तफा का जिक्र फरमा रहे हैं। पता ये चला, मालूम ये हुआ, मुस्तफा का जिक्र करना किसी और की सुन्नत नहीं बल्कि खुदा की सुन्नत है। एक जिक्र खुदा, एक जिक्र मुस्तफा। खुदा का जिक्र मखलूक करती है, मुस्तफा का जिक्र खाली के कायनात करता है। ऐसा भी आने वाला है जिस दिन सारी कायनात फना हो जाएगी, किसी चीज का वजूद बाकी ना रहेगा, सिर्फ और सिर्फ मुस्तफा का जिक्र बाकी रहेगा। इसीलिए तो मुस्तफा का जिक्र किब्रिया कर रहा है। ना खुदा मिट सकता है, ना जिक्र मुस्तफा मिट सकता है, बल्कि मुस्तफा का जिक्र मिटाने वाला खुद मिट जाएगा। इसीलिए तो शायर फरमाता है, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे अदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मुस्तफा का जिक्र अजानों में है, मुस्तफा का जिक्र नमाजों में है, मुस्तफा का जिक्र इबादत में है, मुस्तफा का जिक्र रियाजत में है, मुस्तफा का जिक्र हकीकत में है, मुस्तफा का जिक्र मार्फत में है, मुस्तफा का जिक्र जन्नत के बहारों में है, मुस्तफा का जिक्र आसमान की बुलंदी में है, मुस्तफा का जिक्र जमीन की पस्ती में है, मुस्तफा का जिक्र समुंदर की सैलानी में है, मुस्तफा का जिक्र कायनात के जर्रे जर्रे में है। मुस्तफा का जिक्र हमेशा होता रहा है और हमेशा होता रहेगा। मुस्तफा का जिक्र को मिटाने के लिए अजान को मिटाना होगा, मुस्तफा का जिक्र को मिटाने के लिए नमाज को मिटाना होगा। अजान का मिटाना गैर मुमकिन है, नमाज का मिटाना गैर मुमकिन है। पता ये चला, मालूम ये हुआ, मुस्तफा का जिक्र गैर मुमकिन है। इसीलिए तो सार फरमाता है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मोहतरम हजरात, रसूल का जिक्र खुदा का शुक्र है। यूं तो खाली के आलम ने बहुत सी नेमतें अता फरमाई, लेकिन तमाम अफजल ईद मिलादुन नबी का शुक्र है। मेरे मुस्तफ़ा से जिसको निस्बत होती गई वो ज़माने में सबसे मुमताज होता गया। रसूल का मज़हब तमाम मज़हबों में मुमताज, रसूल पर नाजिल होने वाली किताब तमाम किताबों में मुमताज, रसूल का मज़हब तमाम मज़हबों में मुमताज, रसूल के वली तमाम वलियों में मुमताज, रसूल की उम्मत तमाम उम्मतों में मुमताज, रसूल के सहाबी तमाम सहाबियों में मुमताज, रसूल की जबान तमाम जबानों में मुमताज, सिद्दीक अकबर सदाकत में मुमताज, मौला अली सुजात में मुमताज, उस्मान गनी सखावत में मुमताज, अपने तो अपने गैर मुमताज, जमाना रसूल के काफिर भी कुफर में मुमताज। अबू जहल अबू लहब ने फिरऔन और नमरूद से बढ़कर अदावत की है। फिरऔन डूबते वक्त अजाब इलाही को देखकर बोल उठा था, आमंतु बिरब्बी मूसा व हारून, मैं मूसा और हारून के रब पर ईमान ले आया। मगर अबू जहल जंग बदर में मरते मरते वसीयत कर गया कि ऐ सर काटने वाले, मेरा सर जरा नीचे से काटना ताकि पिल्लार होने के बाद भी मालूम हो कि किसी सरदार का सिर है। आप जानते हैं पहाड़ों का रेजा रेजा करना आसान है, दरिया का रूप बदल देना आसान है, मगर बिगड़ी हुई कौम का बदल देना आसान नहीं है। ये रसूल ही का एजाज था, बुत परस्तों को खुदा परस्त बना दिया और बेदीनियों को दीनदार बना दिया।